अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुतज़ाद के साथ मैं आपका मेज़बान मियां आमिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद कमैना साहब। आज के प्रोग्राम में आपने खबर दी थी कि पीटीआई के कुछ और लोग गिरफ्तार होंगे, क्या आप समझते हैं कि मजीद भी कुछ गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी? आमिर साहब, मैंने सुबह को खबर दी थी कि टॉप ब्रास जो है इनकी पीटीआई की, वो गिरफ्तारी उनमें से होंगी, लोग अरेस्ट होंगे। तो हमारे उस प्रोग्राम के बाद, उस वीडियो के बाद, असद उमर साहब और कुछ देर पहले शाहम कुरैशी साहब दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। अभी टॉप ब्रास में से भी कुछ गिरफ्तारियां होंगी, लेकिन उससे जो नीचे का लेवल है उसमें भी गिरफ्तारियां होंगी। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको एक सुबह और साथ बात की थी कि फौज और इस्टेब्लिशमेंट और इदारे इस बात की तहकीक कर रहे हैं कि अगर तो ये प्री प्लान था कि खान साहब ने पहले से मनसूबाबंदी की थी कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो क्या क्या करना है, और बिल्कुल उसके ऐन मुताबिक वो काम किया गया, तो फिर इनके लिए मुश्किल बढ़ जाएंगी। और अभी जो ऑडियोज लीक होना शुरू हो गई हैं, मेरे ख्याल पिछले 15 मिनट के अंदर पीटीआई के चंद कायदीन की ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई हैं, जिसमें सेनेटर इजाज़ चौधरी साहब अपने बेटे के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं और कोर कमांडर हाउस जो लाहौर में हमला हुआ था उसके ऊपर बात कर रहे हैं, और साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी उस घर का गमला भी नहीं छोड़ा, सारा कुछ तोड़ के तबाह कर दिया है। और उसके बाद गुजरांवाला के एक इनके कायद हैं, उनकी टिकट होल्डर भी हैं सूबाई असम्बली के, उनकी ऑडियो भी आ गई और उसमें वो लफ्ज़ बड़ा ख़तरनाक बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जी खाना जंगी की तरफ एक ही दफ़ा जो लेके जाना आप ले जाएँ, और उसमें वो हदायत दे रहे हैं कारकुनान को कि आप सरकारी इमारतों पे हमला करें, डीसी ऑफिस पे हमला करें, सीपी ऑफिस पे जाएं, और आर्मी के जितने यहाँ पे हैं, क्योंकि गुजरांवाला भी काफ़ी बड़ा कैंट है, राह वाली कैंट जो है, और उस पर भी हमला करें। और उसके बाद फिर ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो हैं, जो बदनाम ज़माना एक वकील हैं, साबिक गवर्नर भी हैं पीटीआई के, जिनकी पहले कुछ चीफ जस्टिस साहब, जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ भी इनकी गुफ्तगू टेप हुई है दो दफ़ा और मंजर आम पे आई, उनकी भी एक रिकॉर्डिंग आ गई है कि वो किसी को हिदायत दे रहे, बल्कि बता रहे हैं कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे चीज़ें भेजी, वो देखें जो आप पारा के ऊपर लोग इकट्ठे हुए और वहाँ पे हमला किया है। अब आप पारा जो है वो पूरे पाकिस्तान की आईएसआई के हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ अगर लोगों को इंतशार के साथ यानी उनको तरगीब दी गई, उकसाया गया, वहाँ लेके जाया गया, वहाँ पहुँचाया गया, और उसके बाद फिर इस तरह दो और कायदीन है पीटीआई के, उनकी भी हो रही है। और उसके बाद फिर सबसे जो बड़ी मुज़ेका फेज बात थी वो ये थी कि जिसको मैं ज़ाती तौर पर उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ, पीटीआई में वो मैं समझता था कि सबसे डिसेंट खातून जो हैं वो वही हैं, जिन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद, कैंसर जैसी मूजी मर्ज के बावजूद, उन्होंने बड़ा सख्त मुकाबला करके पीटीआई के लिए बहुत खिदमात अंजाम दी हैं, आपा यास्मीन राशिद साहबा, उनकी वीडियो मंजर आम पे आना जिसपे वो हदायत दे रही है और लोग कह रहे हैं कि बाकी भी इकट्ठे हो जाएं, फिर इकट्ठे चलते हैं क्योंकि अभी लोग कम हैं, पीछे से और लोग आएंगे तो फिर जाके हल्ला बोलेंगे कोर कमांडर लाहौर के घर पे। अब जब ये, और उसके बाद आपने पोजीशन देखी है कि पिशावर के अंदर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग पर हमला कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारी जगहों पर इस तरह के आ रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है 15 मिनट के अंदर अंदर ये सारा मामला होना कि सबकी ऑडियोज आना जो कि राह से रिकॉर्ड हो रही होंगी अल्टीमेटली, तो ये एक बड़ी इंटीमेशन है और बड़ी वाज अलार्म है सबके लिए कि टॉप ब्रास के साथ साथ जो है वो अब निचले लेवल पे भी ऑपरेशन होगा, वो भी गिरफ्तार होंगे। जैसा ये फरमाइएगा कि जैसे तोशाखाना केस में खान साहब के ऊपर फर्दे जुर्म आयद हो गई है और 8 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान के लिए या पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं हो गया इस तरह से? मैं समझता हूँ कि मुश्किलात नहीं, शदीद मुश्किलात में घिर चुकी है पीटीआई, न सिर्फ खान साहब बल्कि पीटीआई शदीद मुश्किलात के अंदर घिर चुकी है। बॉडी लैंग्वेज देखी जाती होती है कि लीडर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, कारकुनान की क्या है, और उसके बरक्स हुकूमत की क्या है और इदारों की क्या है, ये अब सारा मुआवजा करना है। आपको याद हो कि मैंने, हम बैठे थे तो ऑफ द रिकॉर्ड मैंने कहा था कि कुछ 6-7 दिन का तो शायद जिस्मानी रिमांड मिल जाएगा, तो ये यकीनी बात थी कि जब इतना तरद्दद करके खान साहब को अरेस्ट किया है, उसके बाद उन्होंने अपने जो इदारे हैं उनके घरों पे हमला हुआ, उनके दफातर पे हमले हुए,
और बहुत सारी सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। तो उसके बाद ऐसा थोड़ा ही था कि वो आसानी के साथ जो है वो नैब के जो जज साहब हैं नैब कोर्ट के वो छोड़ देते और कहते हैं नहीं जी गिरफ्तारी गैर कानूनी है, तो पॉसिबल नहीं था। ये तो बिल्कुल वाजिया था, रोजे रोशन की तरह यहाँ था कि बिल्कुल खान साहब का जिस्मानी रिमांड तो मिलेगा चाहे कुछ दिन का मिले, और वो मिल गया। दूसरी मुश्किल उनमें से जो एक मुश्किल और थी वो ये थी कि इसी फर्द जुर्म से बचने के लिए खान साहब ने कुछ 2 माह से बड़े पापड़ बेले हैं, कभी अदालतों में ना जाना, कभी वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी, और कभी इस तरह कोशिश करना अवॉइड करना कि किसी तरीके से भी वो फर्द जुर्म आयद ना हो। और हत्या के कल भी खान साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठे थे वो आज की जो उनकी हेयरिंग थी फर्द जुर्म के बारे में जो तोशा खाना की थी उसको अवॉइड करने के लिए उसके ऊपर हिफाजती जमानत के लिए वो बैठे हुए थे कि मुझे फिर रिलीफ मिल जाए। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि पूरी तैयारी थी और वो उन्होंने बिल्कुल किसी को बात ना बताई है ना बाहर निकाली है और वो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, तो फर्द जुर्म लगने का मतलब यह है कि तेजी के साथ ट्रायल भी चलेगा और खान साहब मुस्तकबिल के अंदर नाहल होंगे। एक केस इनका कोई इतना मजबूत नहीं था, उसको दो बहुत सारे लोग उसको मजबूत कहते रहे थे, लेकिन मैं कह रहा था कि वो कमजोर केस है जो मुबैना बेटी है खान साहब की टैरियन वाइट केस जो था, तो वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज उसको नाकाबिले समाअत करार दे के जो उनकी नाहली के बारे में दरख्वास्त थी साजिद नामी जो शहरी था तो उसको मुसरत कर दिया उन्होंने। तो अब क्योंकि ट्रायल चलेगा और ट्रायल के अगर थोड़ी स्पीड हुई तो खान साहब बहुत जल्दी नाहल हो जाएंगे, और अगर वो नाहल होते हैं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि अभी ये जो सारा कुछ हो रहा है जिस तरह पीटीए के कारकुन जो है वो मैंने भी आपको रेफरेंस दिया पिशावर के अंदर के वो जो रेडियो पाकिस्तान की इमारत के अंदर, उसके बाद फिर बालासार बहुत तारीखी जगह है पिशावर के अंदर, कला नुमाया कभी आपकी इतफाक हुआ वहाँ पे हमला करना, और फिर अभी तो फायरिंग भी कर रहे हैं हवाई फायरिंग भी कर रहे हैं, किसी के पास कोई छोटे असले हैं किसी के पास कोई बड़े वो बड़ी गन्स भी हैं, तो हवाई फायरिंग तक पहुंचना कराची शहर फैसल के ऊपर जो है वो हवाई फायरिंग हुई है। तो ये इस बात की गुमाजी कर रही है कि पीटीआई के लिए मुश्किलात शदीद से शदीद तर होने वाली हैं। अगर इन्होंने खान साहब की ब्लैकमेलिंग में आना होता तो अरेस्ट नहीं करते, और अगर अरेस्ट होने के बाद वो उनको ये था हुकूमत को इदारों को ये तो लाजमी बात थी तवक्को थी कि रिएक्शन आएगा, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि आर्मी के जो तनसीबात हैं उनके जो बिल्डिंग्स हैं जो कोर कमांडर का घर है GHQ है और बाकी जगह पे ये चले जाएंगे, आर्मी की गाड़ी के ऊपर कल वो 4-5 गाड़ियां गुजरी हैं तो उस पर हमला हुआ है, तो ये तवक्को इदारे और हुकूमत नहीं कर रही थी। ये तो था कि अल्टीमेटली वो तो कन्फर्म बात है ना कि जब कोई कायद पकड़ा जाता है एक पार्टी के सरबराह साहब वज़ीर आज़म है तो उसके ऊपर रद्द अमल तो आना था, लेकिन इस तरह का रद्द अमल इनके जेहन में नहीं था बिल्कुल भी। तो वो और उसके बाद फिर आज पंजाब और KPK के अंदर जो फौज तलब कर ली गई है, तो ये सारी चीज़ें जो निशानियाँ इसी बात के लिए हैं कि पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात बहुत बढ़ने वाली हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बड़ा तफसीली आपने जायजा दिया। नाज़रीन, जमहूरियत का हुस्न यही है कि हर शहरी को एहतजाज का पूरा हक हासिल होता है, लेकिन पीटीआई की आदत ने मासूम अवाम को उकसा कर इस नहज तक पहुँचा दिया कि वो अपनी ही फौज के सामने खड़े हो गए, और इस सूरत हाल में पीटीआई के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अपने मेज़बान मियां आमिर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।